भारत और मालदीव के बीच गहराते अभूतपूर्व तनाव के बीच मालदीव ने चीन की ओर किनारा कर लिया है। भारत के साथ उसके संबंध दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। चीन के 5 दिवसीय दौरे से लौटने के बाद राष्ट्रपति मुइजो ने ऐलान कर दिया कि भारतीय सैनिक 15 मार्च तक वापस लौट जाएंगे। चीन के दौरे के बीच मुइजो और जिनपिंग ने कई समझौते को लेकर सहमति जाहिर की, जैसे पर्यटन सेक्टर में चीन की भागीदारी, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद, डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर सहयोग और समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की मदद शामिल है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार को लेकर भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी चर्चा की गई है, लेकिन समझौतों की सूची में इसका जिक्र नहीं किया गया है। चीन और मालदीव के गहरे होते संबंधों में भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारत की स्थिति पहले के मुकाबले कमजोर होगी? मालदीव जानता है कि चीन कर्ज के जाल में फंसने के लिए कुख्यात है, इसलिए उसकी कोशिश होगी वो श्रीलंका जैसी गलती ना करे। चीन और मालदीव के बीच हुए हालिया समझौते में आपसी निर्भरता वाले संबंध की झलक दिखती है, यानी चीन का निवेश एक तरफा भले ही है, लेकिन अगर समझौता टूटता है तो नुकसान चीन को भी होगा। हालांकि भारत के लिए हिंद महासागर में स्थिति थोड़ी कमजोर है। कई जानकारों का मानना है कि मालदीव एक तरह स्टिंग स्टेट की तरह बर्ताव कर रहा है, यानी जिस देश से उसके हित सध रहे हैं वो अभी उसके साथ है। चीन हिंद महासागर में मालदीव के साथ अपनी दोस्ती का फायदा उठा सकता है। इस इलाके से चीन अपनी जरूरतों का 80% तेल आयात करता है। हिंद महासागर में चीन की गतिविधि बढ़ने से भारत की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। आपको बता दें कि मालदीव से भारत की दूरी काफी कम है, इसलिए वहां से भारत पर नजर रखना काफी आसान माना जाता है। मालदीव ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की तो भारत के लोग हुक्का पानी लेकर मालदीव पर चढ़ बैठे। लोगों ने मालदीव जाने की बुकिंग कैंसिल करी और उसे खरी खोटी भी सुनाई। लोगों ने अपने लक्षद्वीप को मालदीव से बेहतर बताया, फिर मालदीव को भी बैकफुट पर आना पड़ा। आपको बता दें कि मालदीव के मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ा। विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन बात यह है कि दोनों देश यानी कि भारत और मालदीव दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति मुइजो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक की नौबत आ गई, लेकिन हकीकत तो ये है कि जिस तरह से भारत के बिना मालदीव का काम नहीं बनता, ठीक उसी तरह मालदीव के बिना भी भारत को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दुनिया के नक्शे पर मालदीव को देखें तो उसके पास जो सबसे बड़ी चीज है वो है उसकी लोकेशन। मालदीव हिंद महासागर में बसा हुआ देश है और भारत के वेस्ट कोस्ट के महज 300 नॉटिकल माइल की दूरी पर बसा हुआ है। हालांकि ये जहां पर है वो दुनिया के सबसे प्रचलित व्यापारिक समुद्र रास्तों में से एक है, जिसकी जरूरत भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों को है। लेकिन भारत के साथ एक और खास चीज है, और वो है भारत की समुद्र इलाके की सुरक्षा, जो सीधे तौर पर हिंद महासागर में मालदीव के साथ ही जुड़ा हुआ है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।